सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपाल की नियुक्ति की है, जिसमें छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसी के साथ झारखंड में रमेश बैस और हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा की बात करें तो यहाँ पर पी एस श्रीधन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, हिमाचल में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है, जो कि 2014 में विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। इसी के साथ वो गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्हें नवसारी विधानसभा से विधायक चुना गया था। पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, साथ में अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका गृह मंत्री अमित भाई शाह का, हमारे पार्टी के, अभी तो मैं हमारे बोल सकता हूँ, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ सीआर पाटिल जी, मुख्यमंत्री विजय भाई भाई, डेप्यूटी सीएम नितिन भाई, और सभी मेरे साथ ही जो छह पुराने हैं वो सब का मैं आभार मानता हूँ। पहली बार विधायक बने तब से, और नरेंद्र भाई मोदी के तो पहले से हम साथी थे, उन्होंने जे जे जो जो रास्ता हमको दिखाया वो रास्ते पे हम चलते रहे और समाज की सेवा करते रहे, ऐसा ही काम आगे जाकर भी हम करते रहेंगे। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे, कौन है ये वो आपको हम बताते हैं। देखिए, नजर डालते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कौन है। गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता है, बड़ा चेहरा है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके साथ ही 2014 में विधानसभा कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्हें अब मध्य प्रदेश में राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवसारी विधानसभा से विधायक चुने गए और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया। 8 राज्यपाल बनाए गए हैं, जिनमें छगन भाई का भी नाम शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश के अब नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल नए राज्यपाल होंगे। इसके साथ ही कर्नाटक में थावरचंद गहलोत को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में रमेश बैस नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही गोवा में पी एस श्रीधन पिल्लई को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। मिजोरम में हरि बाबू कंभमपति को राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये राज्य जिनके राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है।